आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। हर तरफ जमीन पर गिर रही बारिश की बूंदों की तेज आवाज थी। रोनित, तान्या, क्षितिज और प्रिया चारों दोस्त हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड में भी अपने एडवेंचर पर निकल पड़े थे। उनका मुंबई से लोनावाला का सफर बस कुछ ही देर में तय होने वाला था। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। रोनित जल्दी से जंगल के एरिया को क्रॉस करने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा रहा था कि जंगल खत्म होने से थोड़ी दूर पहले ही अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी रोनित? अभी तक तो हमने जंगल भी क्रॉस नहीं किया। मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप ही बंद पड़ गई है। तुम सब रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोनित गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने देखा कि गाड़ी की इंजन की वायर पूरी तरह से जल चुकी है। उसने ये बात अपने सभी दोस्तों को बताई। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब आधी रात को तो कोई मैकेनिक भी यहाँ नहीं मिलने वाला। गाइस, मुझे तो कार में बैठे बैठे बहुत घुटन हो रही है। प्लीज चलो ना, थोड़ी देर बाहर चलते हैं। चलो ठीक है, वैसे भी जंगल का एरिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो कोई खतरा भी नहीं है। तान्या के कहने पर अब सभी अपने हाथों में छतरी लिए कार से निकले और भारी बारिश में नेचर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। मुझे तो यहाँ आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा हम पूरी रात आखिर बिताएंगे कहाँ। मुझे पता है आज की रात हम कहाँ बिताएंगे। क्या मतलब? अरे वो देखो, सामने वो विला, जरूर वहाँ कोई होगा। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो एक रात के लिए हमें अपना विला रुकने के लिए दे दे। इतना कहकर वो सभी उस विला की ओर बढ़े और विला के पास जाकर उन्होंने विला की डोरबेल को बजाया। हेलो, कोई अंदर है? रोहित के इतना कहते ही अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है जो इतनी रात पर यहाँ आए हो। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम चारों का भी वही हाल होगा जो उन सबका हुआ था। किनका हाल? क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। अरे यार, हर पुरानी हवेली के पास इस जैसा एक बुड्ढा फिक्स होता है, तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। क्षितिज के इतना कहते ही अचानक अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजे को खोलती है। फाइनली आपने दरवाजा खोला, थैंक यू सो मच। लगता है आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है और आप मदद के लिए मेरे पास आए हैं। आपको कैसे पता? कुछ नहीं, बस अक्सर ही यहाँ लोगों की गाड़ियाँ अचानक खराब हो जाती है और वो मदद के लिए मेरे पास आ जाते हैं। आइए, आप सभी अंदर आ जाइए। वो चारों अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उस लड़की की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी और वो बड़े ही भयानक तरीके से उस बूढ़े आदमी को घूर रही थी। आप फिर यहाँ आ गए? मैंने कितनी बार कहा है कि आप देर रात को यहाँ मत घूमा कीजिए और अपने घर पर रहा कीजिए। उस लड़की की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और वो चारों उस लड़की के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। तभी उस लड़की ने कहा, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है, लड़कियों को शायद ग्राउंड फ्लोर पर सोने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप दोनों ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में सो जाइए और आप दोनों मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पर चलिए, मैं आप दोनों को आपका रूम दिखा देती हूँ। इतना कहकर वो तानिया और प्रिया को फर्स्ट फ्लोर का रूम दिखाकर वहाँ से चली गई।
कुछ देर बाद तानिया तो गहरी नींद में सो गई, लेकिन प्रिया को वहाँ कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसे वहाँ ठीक सी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ मानो कोई बहुत दबी सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। प्रिया, उठो, मेरे पास आओ। उस दबी सी आवाज को सुनकर प्रिया घबरा कर अचानक अपने बिस्तर से उठ गई। डर के मारे उसका गला सूख चुका था। उसने बिस्तर के साइड पर रखी टेबल पर पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास उठाया तो वो खाली था, इसलिए वो पानी लेने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी। वो अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जोर से खींचा और वो मुंह के बल बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी, और वो अदृश्य शक्ति उसे बुरी तरह घसीट कर अपने साथ ले गई। प्रिया बहुत बुरी तरह चीखने लगी कि तभी प्रिया की चीखने की आवाज तानिया के कानों में पड़ी और वो अचानक से हड़बड़ा कर उठ गई। उसने उठकर कमरे में हर जगह प्रिया को ढूंढा, लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं मिली। प्रिया, प्रिया देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम कोई प्रैंक कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। तान्या के इतने कहते ही उसे रूम के वॉशरूम से प्रिया की आवाज सुनाई दी। तान्या, तान्या प्लीज मेरी मदद करो, ये मुझे मार डालेगी मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो प्रिया की आवाज है, लेकिन मैंने जब अभी वॉशरूम में चेक किया तो प्रिया तो वहाँ थी ही नहीं, तो फिर ये वॉशरूम में किसकी आवाज आ रही है? तान्या प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। ये मेरा कोई वहम नहीं है, लगता है प्रिया सच में वॉशरूम में ही है। उस आवाज को सुनकर तान्या वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी। उसने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने प्रिया अपने सर को अपने पैरों में दबाए हुए रो रही थी। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? इतना कहकर तान्या ने प्रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा तो प्रिया ने अचानक अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों का रंग भयानक लाल, किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसे इस तरह देखकर तान्या बहुत बुरी तरह घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी प्रिया ने उसके पैरों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और तान्या बुरी तरह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ये क्या कर रही हो प्रिया? ये तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज जाने दो मुझे। प्रिया के सामने हाथ जोड़कर तान्या उसे खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी कि तभी प्रिया ने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को बुरी तरह मरोड़ दिया और अपनी गर्दन को अपने शरीर से अलग कर दिया और अपनी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ी हुई वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तान्या का अब डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। तभी अपने हाथों में अपनी गर्दन पकड़ी हुई प्रिया तान्या की तरफ बढ़ने लगी। तभी तान्या ने खुद को बचाने के लिए प्रिया को एक जोरदार धक्का मारा और वो जाकर सीधी वॉशरूम की दीवार से टकरा गई और उसके हाथों से उसका सर छूटकर वॉशरूम के फ्लोर पर गिर पड़ा और वॉशरूम का फ्लोर और सभी दीवारें प्रिया के खून के छींटों से भर गई। तभी मौका पाकर तान्या वहां से भागकर नीचे सो रहे अपने दोस्तों रोनित और क्षितिज के पास गई। रोनित, क्षितिज, जल्दी, प्लीज जल्दी उठो। इतना कहकर उसने रोनित और क्षितिज को जगाने के लिए उनके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारे, जिससे उन दोनों की आंख खुल गई। अरे कौन है यार, इतनी रात को भी अच्छे से सोने नहीं देते। प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलो, वहाँ ऊपर वॉशरूम में प्रिया ने अपने आप को मार डाला। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? तुम अपने होश में तो हो? पक्का तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम प्लीज मेरे साथ चलो, वहाँ वॉशरूम में प्रिया की डेड बॉडी है, पूरा वॉशरूम प्रिया के खून से पूरी तरह से सज चुका है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तान्या की बात सुनकर क्षितिज और रोनित उसके साथ ऊपर वाले रूम में गए, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि वॉशरूम के फ्लोर पर और दीवारों पर खून के छींटों का एक निशान भी नहीं था।
ये कैसे हो सकता है? अभी मेरी आंखों के सामने प्रिया ने खुद को मार डाला था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। इतना कहकर तानिया जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रोनित और क्षितिज भी कुछ गंभीर से हो गए। अच्छा ठीक है तान्या, तुम रोना बंद करो, लेकिन तुम ही बताओ कि प्रिया अगर यहाँ थी तो अचानक से वो कहाँ चली गई और वो सारे खून के छींटे कहाँ चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इस विला के बाहर हमें जो आदमी मिला था वो बिल्कुल सही कह रहा था। इस विला में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिखा वो कोई छलावा हो। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढना होगा। क्षितिज, भाई तान्या सही कह रही है, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना प्रिया अचानक कहाँ गायब हो सकती है? इतना कहकर वो तीनों कमरे से बाहर निकले कि तभी उन्हें बड़ी ही दबी सी आवाज में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज उस तरफ से आ रही है, शायद प्रिया वही हो। इतना कहकर वो तीनों आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई काली परछाई अभी उनके पीछे से गुजरी हो। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने तान्या को एक जोरदार धक्का मारा। वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी क्षितिज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। पहले तो मुझे शक था, पर अब पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कुछ अजीब है, हमें सावधान रहना होगा। इतना कहकर वो तीनों फिर से उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर मोमबत्तियों से शैतान की एक आकृति बनी हुई थी और विला में रहने वाली उस लड़की के हाथों में प्रिया का कटा हुआ सर था जिससे खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। ये तुमने क्या किया? प्रिया को मार दिया तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रोनित उस लड़की की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही उस लड़की के गले को पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया। और तभी वो लड़की रोनित की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तुम मुझे मार नहीं सकते, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे इस लड़की को दे दो। आज अमावस्या की रात है और आज की रात मेरे लिए इसकी बलि देना बहुत जरूरी है, वरना मेरा शरीर फिर से जिंदा कैसे हो पाएगा? सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं इस दिन का। ये लड़की मेरा 100वां शिकार होगी। इसकी बलि देते ही मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। आओ मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर वो तीनों बहुत बुरी तरह घबरा गए कि तभी अचानक रोहित और क्षितिज हवा में उड़ने लगे और तान्या खुद ब खुद घसीटती हुई उस लड़की के पास जा पहुंची। उस लड़की ने तान्या की गर्दन पर एक छुरी को रखा और वो तीनों डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगे। डर के मारे तान्या बेहोश हो गई कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी एक तांत्रिक बाबा के साथ वहां आ पहुंचा। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर उस लड़की की आत्मा बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथों से वो चाकू छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आत्मा पर एक भस्म को छिड़क दिया और वो बुरी तरह दर्द से बिलखने लगी। इस आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें इसके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए संसार से नष्ट करना होगा। इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए ये आत्मा सालों से इसी घर में भटक रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसके शरीर को ढूंढना होगा और उसे अग्नि में भस्म करना होगा, वरना ये आज इस लड़की की जान भी ले लेगी, क्योंकि शरीर के आसपास है कहीं इस क्रिया को किया जाता है जिससे मरी हुई लड़कियों की आत्माओं की शक्ति को ये अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा सके। हमें इस कमरे को छान मारना होगा। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार सभी वहां उस लड़की के शरीर को ढूंढने लगे। तभी रोनित की नजर अलमारी के पीछे रखे एक बक्से पर पड़ी। उसने जैसे ही उस बक्से को खोल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस बक्से के अंदर एक लड़की का सड़ा गला शरीर था जिसकी मौत न जाने कितने सालों पहले ही हो गई हो। तांत्रिक बाबा, ये देखिए उस लड़की का शरीर। रोनित की बात सुनकर उस शरीर को नष्ट करने के लिए तांत्रिक बाबा जैसे ही आगे बढ़े, तभी उस लड़की की आत्मा तांत्रिक बाबा पर झपट पड़ी और उन पर हावी हो गई। तभी रोनित ने हिम्मत करते हुए अपने लाइटर को जलाकर उस बक्से के अंदर फेंक दिया और उस लड़की का शरीर बुरी तरह जलने लगा। शरीर के जलते ही उस लड़की की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने उस आत्मा के चीथड़े उड़ गए। उस रात किसी तरह उन तीनों की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्त प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। रात के तकरीबन 10 बजे का समय था। शहर की पॉश कॉलोनी में तीन दोस्त विवेक, सिड और विक्की बैठे नशा कर रहे थे। अरे चलो ना यार, कब तक ये मोबाइल में रील देखते रहोगे? चलो कुछ रियल फन करते हैं। अबे क्या होता है रियल फन? ये सब फन कर तो लिया, अब और क्या बाकी रह गया? अब इतनी रात को तारे गिनेगा क्या बाहर जाकर? अबे नहीं बे, तुम चलो तो सही, आज तुम्हें भी मजा कराता हूँ। अरे तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है, तुम लोग करो फन। अरे यार, ना तू शराब पीता है ना कोई मौज मस्ती करता है, ऐसे मन कैसे लगता है तेरा? भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हें कंपनी देने के लिए सिगरेट पी लेता हूँ, तुम लोग जाओ मजे करो। विवेक के बार बार कहने पर विवेक और सेठ विवेक की महंगी कार में बैठकर हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। भाई एक लड़की है, चल उसी से मिलने चलते हैं। क्या बोल रहा है, कौन सी लड़की? टिंडर पर मेरी आयशा नाम की लड़की से बात होती है, और बातों बातों में उसने अपना एड्रेस बता दिया मुझे, और जब मैंने पता लगवाया तो वो एड्रेस किसी विमेंस हॉस्टल का था। मैंने भी मौके पर चौका मारने के लिए 2-4 बार गिफ्ट भेज दिए। बस फिर क्या था, लड़की को मुझ पर भरोसा हो गया, जब मिलने बुलाऊंगा वो आ जाएगी। कोई लड़की इतनी बेवकूफ नहीं होती, तू बुलाएगा और वो इतनी रात को आ भी जाए। अबे तू रुक ना, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। छोड़ भाई ये लफड़े वाले कामों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। चल हाईवे से यूटर्न ले ले, तूने पहले भी रखी है। सिट के समझाने के कारण विवेक गाड़ी को वापस मोड़ लेता है और वो घर लौट आते हैं। उस दिन तो विवेक सिट के कहने पर वापस लौट आया था, लेकिन आयशा से मिलने की इच्छा उसके मन में अभी भी जोर मार रही थी। 2 दिन बाद विवेक शाम के समय अपने घर में बैठा सिगरेट फूंक रहा था, तभी उसे आयशा का ख्याल आता है। तुमसे मिलने का मन है, मुझ पर विश्वास तो करती हो ना? अरे हाँ बिल्कुल करती हूँ, बोलो कहाँ आना है? ऐसा है तो मेरे घर आ जाओ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मेरा वेट करना, मैं अभी पहुँचती हूँ। आयशा से बात करने के बाद विवेक उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है। आयशा राइट, माइसेल्फ विवेक, प्लीज कम। विवेक आयशा को अंदर लाकर दरवाजा बंद कर लेता है और सोफे पर ठीक आयशा के सामने बैठ जाता है। वाओ, यू आर रियली ब्यूटीफुल, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ओह रियली? अरे बाबा हाँ बिल्कुल। विवेक इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता, अचानक ही उसके घर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अरे यार इतनी रात को बिजली कैसे कट गई? विवेक अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक भयानक शक्ल वाली कोई औरत खड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर विवेक बहुत डर जाता है और अंधेरे में ही वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीछे से वो औरत उसके पैर खींचती है जिससे वह जमीन में गिर पड़ता है। छोड़ दो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज। मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ तेरे जैसे अय्याश लड़के की जान भी लूंगी। तूने ही बुलाया था ना आयशा को और फिर उस सेट के हवाले कर दिया? नहीं नहीं, मैंने पहली बार आयशा को मिलने बुलाया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। कोई गलत फहमी नहीं है, वो तू ही था। इतना कहकर वो लड़की विवेक पर टूट पड़ती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके सीने पर एक के बाद एक कई सारे वार कर देती है। कुछ देर बाद यस, किससे मिलना आपको? हाय, आई एम
मिनी, डू यू वांट रियल फन? क्या? तुम समझी नहीं शायद, वो आपका फ्रेंड विवेक है ना, उसने आपका एड्रेस दिया है। ये विवेक सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, आप अंदर आइए। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है, उनके कमरे की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। ड्राइंग रूम में दीवार पर लगे सजावटी आईने में सेठ को मिनी के पीछे सफेद कपड़े पहने एक परछाई दिखाई पड़ती है, जिसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था। आईने को देखते ही सेठ की चीख निकल जाती है, मिनी, ये तुम्हारे पीछे कौन है? कौन है वहाँ? सेठ का इतना कहते ही वह परछाई अचानक से गायब हो जाती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। तभी सेठ को अपने घर के बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये कैसी भयानक आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी रॉड जमीन पर घसीट रहा हो। डर से सेठ अपने दोस्त विक्की को पुकारने लगता है, जो उसके साथ ही उसके घर में मौजूद था। विक्की, कहाँ चला गया तू यार? अचानक से गायब हो गया था। विक्की, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, ये आवाज तो और नजदीक आती जा रही है। तू कहाँ है भाई? तभी एक रॉड से सेठ के सर पर वार होता है, वह दूर जाकर गिरता है। सेठ दर्द से तड़पने लगता है। कौन है यहाँ? चाहते क्या हो? चीख, पूरी ताकत लगाकर चीख, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बहन चीखी थी। कौन हो तुम? आयशा, याद है ना तुम्हें? या उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह खेलने के बाद भूल गए तुम? देखो, तुम जो भी हो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। उस दिन विवेक और मैंने बहुत पी रखी थी, जब विवेक ने मुझे टिंडर पर आयशा के बारे में बताया तो मेरे मन में एक शरारत सूझ गई। उस रात जानबूझकर मैं विवेक को अपने घर ले आया। शराब के नशे में होने के कारण कुछ ही देर में वो सो गया। उसके सोने के बाद मैंने उसका फोन उठाया और आयशा को उसके फोन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ और आयशा ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने उसे अगले दिन अपने घर मिलने के लिए बुलाया। मेरे बताए अनुसार वो मुझसे मिलने आ गई। मेरा प्लान बस इतना था कि मैं आयशा के साथ डेटिंग करने के बाद विवेक को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन आयशा के इरादे कुछ और थे। वह अमीर लड़कों को डेटिंग में फंसा कर उन्हें लूट कर भाग जाती थी। उस रात जब वो मेरे घर आई तो उसने मेरे शराब में नशे की गोली मिलाकर पिलानी चाहिए, ताकि मुझे बेहोश करके मेरे घर से कीमती सामान लूट सके। लेकिन गलती से उसने मेरे वाला शराब का गिलास उठा लिया और उसे पीकर वो बेहोश हो गई। जब कई घंटों तक उसे होश नहीं आया तो मैं घबरा गया और मैंने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और उसके हॉस्टल के सामने छोड़कर वहां से अपने घर आ गया। जब घंटों बाद उसे होश आया तो उसने सड़क पार करके हॉस्टल जाने की कोशिश की और उसी समय एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जैसे उस दिन तू उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ कर गया था, वैसे ही आज मैं तुझे अधमरा करके छोड़ दूंगी। मरेगा तू तो अपनी मौत मरेगा। इतना कहकर जैसे ही वो लड़की सिट को मारने के लिए हाथ उठाती है, अचानक ही कमरे में तेज हवा चलने लगती है और कमरे की खिड़कियां जोर जोर से आवाज करने लगती है। कमरे में लगे बल्ब फ्लक्चुएट होने लगते हैं और अचानक ही कमरे में लाइट वापस आ जाती है। कमरे में उजाला होते ही सिट देखता है कि उस लड़की के अलावा कमरे में फिर से वही भयानक शक्ल वाला साया उस लड़की के सामने खड़ा हुआ है और गुस्से में उसे ही घूर रहा है। कौन हो तुम और ये सब कैसे किया तुमने? कोई भूत हो क्या?
मिनी की बात सुनकर वह साया जोर जोर से हंसने लगता है। अपनी बहन की मौत का बहुत दुख है ना तुम्हें, लेकिन तुम जो मासूम लड़कों के साथ करती हो उसका क्या? तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो होना चाहिए था। टिंडर को लूट का आटा बनाते हुए तुमने कभी नहीं सोचा कि इन साइट पर आने वाले सभी लड़के आवारा नहीं होते। कुछ मेरे जैसे जेन्युइन लोग भी होते हैं जो एक सच्चे साथी की तलाश में टिंडर पर आते हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ किया वो अब मैं किसी और लड़के के साथ नहीं होने दूंगा। याद है ना उस रात क्या हुआ था? आयशा अब तक तो वो विकी बेहोश हो गया होगा। जल्दी से दरवाजा खोलो, अपना काम करके यहाँ से निकलते हैं। अरे यार मुझे लग रहा है इस पर ड्रग का साइड इफेक्ट हो रहा है, इसका शरीर नीला पड़ रहा है। अरे छोड़ ना इस भिखारी को, 10,000 का फोन है इसके पास और कैश के नाम पर तो 500 रुपए है। हद है, टिंडर पर क्या टाइम पास करने आता है ये? औकात तो इसकी एक डेट पर ले जाने की जितनी भी नहीं है। विकी का मजाक बनाते हुए आयशा और मिनी वहाँ से निकल जाती है। मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाते हुए तुम दोनों ये भूल गई थी कि हर लड़का नशे का आदी नहीं होता। मेरे जैसे सीधे साधे लड़के को ड्रग्स की ओवरडोज देने के बाद तुम दोनों यूं ही मरने के लिए छोड़कर भाग गई। उस रात मेरे माँ बाप ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। आखिर क्या गलती थी मेरी? तुम्हारी जैसी लालची लड़कियां हर लड़की के चरित्र पर सवाल खड़ा करती हैं। तुम्हारे कारण शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन आत्मा को सुकून नहीं मिला। जब तक मैं तुम दोनों को मार नहीं डालूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही भूत बनकर यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा। मुझे मारने के बाद तुमने विवेक को डेटिंग पर अपना अगला शिकार बनाया। मैं नहीं चाहता था कि अब कोई भी लड़का तुम दोनों के चंगुल में फंसे, इसलिए तभी से मैंने इनके साथ इनका दोस्त बनकर रहने लगा। तुम्हारी बहन को उस दिन गाड़ी के सामने मैंने ही फेंका था। अब तेरी बारी। देखो मुझे छोड़ दो, ये लड़के भी तो बस अय्याशी के लिए ही लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उन्हें लूटते हैं तो क्या गलत है? किसी और के गुनाह बताने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाता। तभी अचानक एक रस्सी आकर मिनी के गले से लिपटने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मिनी चीखना चाहती थी लेकिन विक्की की आत्मा ने उसके गले में पड़ी रस्सी से उसका गला घोटकर उसकी जान ले ली। मिनी और आयशा को उनके किए की सजा देने के बाद विक्की की आत्मा को शांति मिल जाती है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे से चमकती हुई आंखें दिखाई देती है जिसे देखते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख जाता है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी पूरी रात भर मुझे जंगलों में ही रहना पड़ता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। दिसंबर का महीना था, कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल, अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरूर ही इसकी कोई वजह रही होगी, हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? अरे उसकी तुम चिंता मत करो, सरकार ने मुझे वहाँ रहने के लिए घर दे दिया है तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में घर दिया गया था जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था, ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस घर को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों
मुझे उस घर को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये घर किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी रात भर जंगलों में ही रह चुका था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस घर को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो, हमें इस सुनसान जंगल में लाकर छोड़ दिया है और तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी से कहा। कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात कहा मेरी बेटी तानिया ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही है पापा, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती, मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। घर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक घर की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है साहब, मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है, यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन घर के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वो बोली, दरअसल मेम साहब इस घर के दो रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना, एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए जो पीछे की तरफ है। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना, हम सुबह से भूखे हैं। आइए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो हम सबको घर दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी है ये बिंदिया। आरती हंसते हुए मेरी ओर देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है, वो एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहां पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि ये नॉर्मल बात थी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो ये है कि मैं जब भी उस घर के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताता रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे में से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, ये सब क्या है आरती, तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में ही की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो, क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। अरे मैं तो केवल तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तानिया के कमरे में सोने चली गई। मैंने एक और बात नोट की
कि तान्या शुरू शुरू में स्कूल की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तान्या ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, अरे आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और बता भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वो औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी घर में रह रहे हैं, वहाँ पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दिनों की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दिनों की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब कि अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था, मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हैं वो इस सारे इलाके में भूतिया घर के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहाँ पर आए और चले गए, बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहाँ पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो घर बंद ही पड़ा है, पता नहीं उस भूतिया घर में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी, उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है, बिंदिया नाम है उसका, और वो तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब, बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब मैं गलत नहीं कह रहा, बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहाँ पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई, और इसीलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब उन दोनों की कब्र आज भी उसी घर के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दिनों की बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरे दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और मैंने अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस घर में किसी ने कदम ही ना रखा हो। तभी मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं पूरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मैं ये देखकर कांप गया। मेरी आंखों के सामने
बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगे। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलट कर देखा तो वहां सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये वही कुल्हाड़ी थी जो मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखी थी। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। ये सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया कि उसने खुद मुझे कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया घर के बारे में सोचता रहता हूं और याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।